मैं ठाकुरदास शर्मा, अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से बोल रहा हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाने जा रहे हैं। ये दिन जो है 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस पखवाड़े में कहीं भी मनाया जा सकता है। और इस दिन लोगों को, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, उनको बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या हैं और अपने अधिकारों को कैसे आपने इस्तेमाल करना है। जो ग्राहक होता है वो एक राजा है, उसको अपने मन से सब कुछ करना होता है, लेकिन अपनी वस्तुओं को खरीदते समय उसको बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु जब खरीदे तो उसका लालच में आके नहीं खरीदे। ऐसा ना कि कहीं अगर 50% 60% 80% छूट दे रहा है तो वो चीज़ उसकी 80% छूट वाली ही होगी, उसमें उसको दुकानदार को भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा हमारी नाम जो है ग्राहक पंचायत है, तो ग्राहक पंचायत का मतलब है ये पंच रत्नों का एक समूह है। वो पंच रत्न कौन से हैं? एक व्यापारी, एक किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और ग्राहक। ये पांच लोग जो हैं ये इसको बनाते हैं। इनका आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए और आपस में ये एक दूसरे से मिलके चलें ताकि हमारे किसी को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। और इन अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को भरमाई के लिए हम सब लोग ग्राहक के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। पता चलता है कि अगर किसी की कोई चीज़ ख़राब निकलाई, मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदी है, वॉशिंग मशीन जो है घर आके वो ठीक नहीं चल रही है, तो आपने उसका बिल लेना ना भूलें और बिल जो लिया है वो हमारे पास आए। हमारे पास कंज्यूमर के जो कोर्ट वगैरह सारे हमारे साथ लिंक्ड हैं। हम आपके बिल को उठा के आपकी आपत्तियाँ जो हैं वो जहाँ से आपने खरीदी है उनसे कर सकते हैं और वो उन आपत्तियों को दूर करें। अगर वो दूर नहीं करते हैं तो हमारे पास उनके खिलाफ जाने के लिए अदालतें हैं और अदालतों में ग्राहक का कोई पैसा वकील का नहीं लगता है और बिना पैसे के आपका केस जो है लड़ा जाता है और आपको उसका पूरा सहयोग दिया जाता है। इसी प्रकार हमारा सहयोग जो है, सबसे पहले हम परिवार को सजग करते हैं, फिर उसके बाद परिवार के बाद समाज को, समाज के बाद तमाम देश के लोगों को और राष्ट्र को इसके बारे में बताया जाता है कि ग्राहक की जो अधिकार हैं उनको जानना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारे ग्राहकों के अधिकार को जानने के लिए कुछ एक्ट बनाए हुए हैं। एक 1986 का एक्ट है जिसमें उनको पूरे अधिकार दिए गए हैं। इसको दोबारा 2019 में इसको दोबारा इन्होंने मॉडिफाई किया है और ये एक्ट ऐसा है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए वो इस एक्ट का फ़ायदा ले सकता है। और इसके अलावा आप जागरूक कैसे हों, जागरूक के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास बाज़ार में कोई MP लिखा होता है कि मैं मैक्सिमम प्राइस है MP MPR, तो उस प्राइस पर आप मत चाहें कि जय प्राइस है, इससे आप निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जय प्राइस जो लिखी होती है ये दोगुनी तीन गुना भी लिखी होती है, लोग पूरी ले लेते हैं। तो इसके लिए हमारा ग्राहक समाज फाइट कर रहा है कि जो प्रोडक्शन कास्ट हो चीज़ों को पर, वस्तुओं को, वही लिखी जाए और उसके साथ जो 10% 20% जो प्रॉफिट है वो साथ में मेंशन किया जाए, ऐड किया जाए, ताकि हम MRP से ना धोखा खाएं। अगर MRP धोखा है तो फिर आप लोगों को उस धोखे से बाहर निकलना है। और इसके अलावा हमारे यूनिट जो है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का, एक तो प्रांत में है, प्रांत के अलावा जम्मू जिला में भी काम कर रहा है। जम्मू जिला में हमारे उपनगर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसको कार्य में करने में व्यस्त हैं और काफ़ी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि जो लोगों को अवेकेंड हो, लोग अवेकेंड बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेडिसिन हेल्थ के फील्ड में जन औषधि का इन्होंने प्रोडक्शन किया है, लेकिन जन औषधि की दवाइयों के लिए डॉक्टरों को बहकाया जाता है कि वो अच्छी नहीं है, मत लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, जन औषधि की दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। ये बात है कि ये बाकी दवाइयों से बहुत कम रेट पर हैं और इन रेट को आपने अच्छे ढंग से देखना है। एक अगर पत्ता आपको BP का 20 रुपये का मिलता है तो बाज़ार में वही पत्ता जो है 120 का मिलेगा, तो 100 रुपये का तो लेस है। इसलिए इन ग्राहकों को बताना है कि ये आप इस तरह से करें। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। आप देखें तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो हैं इस वक्त बहुत ही कम
स्ट्रेंथ में चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे लोगों का सहयोग चाहिए, हमारे लोग वहाँ आएँ और गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करें, उनको चेकअप करें। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, ये एक तो फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और लोगों के अंदर वहम डालते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई अच्छी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट स्कूलों से आईएएस ऑफिसर, केएएस ऑफिसर, बैंकिंग के बड़े ऑफिसर गवर्नमेंट स्कूलों से निकल रहे हैं, ना कि प्राइवेट स्कूलों से। प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत सा हवा बनाया हुआ है और वो फीस ज़्यादा चार्ज करके लोगों को गुमराह करते हैं। वर्दियाँ भी स्कूल से देते हैं, किताबें भी स्कूल से देते हैं, इन सब चीज़ों को जब लोग लेते हैं तो वो दुगने रेट पर लेते हैं और उन किताबों के ऊपर रेट जो लिखे होते हैं, एक एक किताब जो नोटबुक है उसके ऊपर 200-200 रुपये 300 रुपये कीमत लिखी है, जिसकी कॉस्ट हार्डली 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है। मैं यही सब लोगों को जागृत करने के लिए आज का प्रोग्राम हमारा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और इसमें सब लोग हिस्सा लें।